देखिए दोस्तों, हम लोग का सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। आप लोग भी ऐसे ही एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आलू प्याज टमाटर का सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। घर में कोई सब्जी ना हो तो ऐसे ही ये सब्जी बना सकते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आलू और प्याज से सब्जी मसालेदार। थोड़ा सा मसाला डाल के बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग ने प्याज ले लिया है, 4 प्याज लिए हैं, और हम लोग 6 आलू लिए हैं। आप लोग अपना जैसा परिवार है वैसा कर सकते हैं कम ज़्यादा, इसलिए हम चलिए हम लोग इसको प्याज को पहले कटिंग करेंगे। आलू को तो हम लोग छील के रख लिए हैं, देखिए देखिए दोस्तों, हम लोगों ने प्याज कटिंग कर लिया है यहाँ पर। यहाँ पर आलू कटिंग करके रख लिए हैं, यहाँ पर टमाटर रख लिए हैं। अब हम लोग आप लोग को यहाँ पर पेस्ट बना के रखे हैं। गरम मसाला है, जीरा है, लहसुन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फोरन रेडी किए हैं। यहाँ पर तेज पत्ता है, मिर्च है, गरम मसाला, 2 इलायची रख लिए हैं, लौंग रख लिए हैं 2, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लहसुन लिए हैं, जीरा लिए हैं। देखिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कढ़ाई गैस पर रख दी है, उसमें ऑयल रख दिए। आप लोग का जितना है सब्जी हुआ सार रख सकते हैं। हम लोग का सब्जी कम है इसलिए हम लोग कम ऑयल का यूज किए हैं। अब इसमें हम लोग का ऑयल गर्म हो गया है, हम लोग मिर्ची रखेंगे, पहले हम लोग लहसुन डाल देंगे, फिर उसके बाद जीरा रख देंगे, फिर हम लोग गरम मसाला जो रखे थे वो रखेंगे, फिर तेजपत्ता रख दीजिएगा इसमें, मिर्च हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे, फोरन हम लोग का थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो। अब लोग हम लोग इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे, फोरन को थोड़ा पकने दीजिएगा, अच्छे से ब्राउन होने दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है सब्जी। अब जब घर में कोई सब्जी नहीं है तो आलू प्याज टमाटर डाल के सब्जी बनाना बहुत टेस्टी लगता है। अब हम लोग का फोरन देखिए थोड़ा ब्राउन हो गया, अब हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। ऐसे बनाइए सब्जी, हफ्ते में आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना। देखिए दोस्तों, हम लोग प्याज ऐड कर दिए हैं, प्याज को थोड़ा हम लोग भूनेंगे अच्छे से। अब हम लोग इसमें आलू ऐड करेंगे, इसमें आलू हम लोग का पक जाएगा। हम लोग बड़े बड़े काटे हैं साइज में, देखिए हम लोग प्याज में रखेंगे, नीचे में पक जाएगा आलू हम लोग का। और इसमें आप लोग टेस्ट अनुसार नमक कर सकते हैं, और हल्दी पाउडर, और अच्छे से सब को चला दीजिएगा। दीजिए हम लोग का आलू प्याज दोनों गल जाए अच्छे से। अब इसको ढक दीजिएगा अच्छे से, अब लो फ्लेम पर गैस को कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग का प्याज का गल गया है अच्छे से, आलू हम लोग का पक गया है, इसे चेक कर सकते हैं आप लोग। अब इसमें हम लोग मसाला ऐड करेंगे, देखिए पेस्ट बना के रखे थे वो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिर्ची पाउडर रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखते हैं हम लोग, कम डालकर अच्छा बनाते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर रख दीजिएगा, आप सब अच्छे से मिला दीजिएगा। और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक देंगे, मसाला अच्छे से पक जाए।
है जिसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे दोस्तों। सबको अच्छे से चला दीजिएगा और फिर ढक दीजिएगा। आप लोग गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिएगा कि आलू अच्छे से पक जाए। देखिए दोस्तों हम लोग का सब्जी का कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और हम लोग का सब्जी रेडी है। थोड़ा सा टमाटर पक जाएगा तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। आप लोग चाहें तो रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे सब्जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।